सर माइक चलाइए। श्रीमती हरसिमरत कौर। शुक्रिया सर। सर इस हाउस में खड़े होके मेरे जैसे जो ना पक्ष के साथ है और ना विपक्ष के साथ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये 300 पार का नारा देके 300 400 पार का नारा देके 330 से 240 में आ गए हैं। ईडीआई सीबीआई यूज करने के बाद भी तब भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और ये 50 से जो 99 में चले गए ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। सो सर मैं सर मुझे ये इन राजनीति जो इस बारी हुई है शायद देश ने कभी देखी नहीं। जितनी माइग्रेशन हुई है यहाँ से वहाँ, दल बदल दो, हलका बदल दो, पार्टी बदल दो, कुछ पता ही नहीं लग रहा। कल यहाँ पे बैठा तो आज वहाँ पे बैठा है। हमारे राज्य में सर जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी मेन अब वो दोनों ही इकट्ठे हो गए। तो अब ऑपोजिशन का ये राहुल जी कल कह रहे थे कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे कि आप आम आदमी के भी आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ बोलते हैं बाकी देश में कुछ और बोलते हैं। और सर जहाँ तो इनकी बात है तो इनके बारे में तो क्या कहूँ सर। मैं ज़्यादा अपना समय इन पर बर्बाद नहीं करना चाहूँगी सर। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय कम होता है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने राज्य के मुद्दों पर आना चाहूँगी। आज मैं आपसे आपके राही आग्रह करती हूँ राष्ट्रपति जी को कि सरकार को बोलिए कि पंजाब एक किसानी सूबा है। इस किसान दे उत्ते बहुत वड़े वड़े संकट ने आज किसाना ने, नौजवाना ने, ते माइनॉरिटीज तिन्ना ने इन्हों रिजेक्ट किया है, जिदे करके इन्हों के नंबर कटे ने। क्योंकि इन्होंने 800 किसान शहीद कराते पंजाब की बरूह चे, ते उन्होंने चकिया यूपी के इलेक्शन तो पहले आ कह के कि थोड़ा MSP लीगल गारंटी की जाऊगी, तो थोड़ी आ मंगा मनिया जान गया, लेकिन ना तो उन्होंने मंगा पूरी कीतियाँ। तो जब वो किसान 2024 एक बार फिर दिल्ली आके धरना लाना चाहते सी, थानू हैरानी होगी उन्होंने पंजाब के बॉर्डर से रोक के किस तरह हरियाणा की सरकार से पुलिस ने जिहो जी तशद्दत की, उन्होंने उत्ते अथरू गैस गोलियां दी बुछार करके किन्ने किसानों नू घायल करता, ट्रैक्टर उन्होंने पन ते, नौजवान मुंडा शुभदीप मेरे हल्के का उन्होंने शहीद कर दिता, ते साडा मुख्यमंत्री मुँह चे ताले ला के बैठा रहा। सो मैं थानू बेनती कर दी कि किसानी इशूज़ नू इन्हां नू सॉर्ट आउट किया जाए, सरकार उन्हां नू वखवादी आतंकवादी तशद्दत करना बंद करे, ते जिहड़े वादे किए ने उन्हां वादियां नू पूरा करे। मैं एक होर भी बेनती करांगी कि पंजाब का अटारी वाघा बॉर्डर ते हुसैनी वाला बॉर्डर खोलिया जाए ताकि साढ़े बॉर्डर तो ट्रेड हो सके, ताकि साड़ी किसानी जिहड़ी संकट च है, इंडस्ट्री जिहड़ी संकट च है, नौजवान जिहड़ा बेरोजगार है, इस बॉर्डर जे थोड़े गुजरात के बॉर्डर च सी रूट तो जे हो सकता है ट्रेड, तो फिर पंजाब दे लैंड राइड तो क्यों नहीं हो सकता। मेरी एक आर डिमांड है कि ए इंडस्ट्रियल रूट, ए ट्रेड रूट बॉर्डर तो खोलिया जा ताकि साडा उतो ट्रेड हो सके। सर दूजी गल, जिथे किसानी संकट च पंजाब च नौजवान बहुत वड्डे संकट च, क्योंकि पंजाब च अज ड्रग एपीडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक कर लई है पंजाब का, तो इन्ना नशा पंजाब च वध गया है। इन्होंने कांग्रेस या ने धार्मिक ग्रंथ की सौ खाधी सी कि 4 हफ्ते से नशे खत्म कर देंगे, आम आदमी पार्टी ने क्या 10 दिन से, लेकिन खत्म तक की किया कि रोज़ नौजवान मर रहे हैं, हूँ तो पुलिस के मुलाजम भी मरन लग गए हैं, इन्ना ज़्यादा ड्रग्स है। तो इस ड्रग्स करके अद्धा पंजाब BSF के हवाले साढ़े मुख्यमंत्री ने करता, लेकिन हर रोज़ हर महीने कई सौ ड्रोन हर रात नशे ते गोलियां लेके, आम से एम्यूनेशन लेके, नशे लेके बॉर्डर तो पार कर देने, ते पंजाब से तबाही फैला रहे ने। इस सरकार नू भी पूछ दिया कि इनू रोकन वास्ते तुसी की कदम चक रहे हो, उन्हां दे ऑफिशियल्स आप कहंदे ने एक ड्रोन फड़िया जांदा ते पांच अपना कारगो छड़ के जांदे ने। सो पंजाब से नशे फैलाई जा रहे ने, कोई रोक टोक नहीं है, गैंगस्टर दा राज, नशिया दा राज, ते लोकी बेहाल है, जिदे करके साडा नौजवान पंजाब छड़ छड़ के विदेशां वल भज रहा है। मैं अज थोड़े राही सरकार नू आ भी बेनती कर दी, जिवें बादल साहब वाजपाई जी तो पंजाब वास्ते बठिंडा रिफाइनरी लैके आई से, कोई इंडस्ट्रियल पैकेज पंजाब नू दिता जाए, खास करके बॉर्डर के इलाके च ते इंडस्ट्री नू, क्योंकि साढ़े नाल दे सूबियां विच हिमाचल होए, जम्मू कश्मीर होए, उन्हां नू टैक्स इंसेंटिव मिले जिदे करके साड़ी इंडस्ट्री भज रही है। सो पंजाब नू जरूर ये सरकार दे, जे बॉर्डर स्टेट पीसफुल होगा तो ही थोड़ा देश पीसफुल हो सकता है। तीजी गल, मैं बेनती कर दी है सरकार नू
कि माइनॉरिटीज ते रिलिजन साडे रिलिजियस अफेयर च तुसी अपनी दखल अंदाजी बंद करो। जब देखो कदे आ कहंदे ने कि असी हमें राहुल गांधी जी लिख के दे रहे सी दरबार साहब गया, कदे ओ कहंदे ने कि असी 550 साल मनाया। जब तुसी पीठ थपथपानी है तो बड़े सिखां दी गल करदे हो, लेकिन अज सिखां दे नाल हो की रहा है? जे इन्हां ने साडे टैंका तोपा दे नाल धार्मिक स्थानां नूं ढेटेरी कीता, इन्हां ने सिखां दे कतलेआम कीते, ते अज तुसी की कर रहे हो? साडे धार्मिक स्थानां विच उत्ते तुसी कब्जा कर रहे हो, साडे हरियाणा कमेटी नूं तोड़ के कब्जा कर लिया, दिल्ली कमेटी दे उत्ते कब्जा कर लिया, नंदेड़ साहब दे उत्ते बोर्ड च तुसी आपदे सरकारी बंदे बिठाते, ते 550 साल की गल कर दो। 2019 च 550 साल गुरु नानक साहब जी के अवतार दिहाड़े से तुसी क्या सी? साडे बंदी सिख रिहा करोगे, 4 साल हो गए अज तक तुसी क्यों रिहा नहीं किया, यू टर्न क्यों मारिया? पहले नोटिफिकेशन कढ़ी, फिर कहता अदालत च कि दे आर अ थ्रेट टू सोसाइटी, ते हुण नवे रूल्स से कहंदे हो पहले माफ़ी मंगन, थानू अब कोई स्टैंड हैगा कि नहीं हैगा? ते ये कानून सिर्फ सिखा वास्ते, कदे साडी धीआं जां जुडिशल एग्जाम देने वास्ते राजस्थान जांदी है ते थोड़े पिट्ठू उन्हां नूं एग्जाम नहीं देन देंदे क्योंकि ਉਹ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਕਾਰ ਹਟਾਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ कि आज पंजाब चे जेड़े रेडिकल फोर्सेस ने ओ हावी हो रहे ने ते मॉडरेट फोर्सेस कमजोर हो रहे हैं, जेड़ा थोड़े वास्ते एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए है। साडे पानी आज सारी केंद्र की सरकार, भावे कांग्रेस होए, भावे बीजेपी होए, भावे आप आदमी होए, तीनों सरकार आज पंजाब का पानी खोना चाहती ने। पंजाब का पानी, पंजाब की जिंद जान, पहले उन्होंने साडा पानी दूजे सूबे नूं देता, हुण इह सारे रल मिल के इस वायल दी नहर कढ के साडा पानी साडे तों खोना चाहुंदे ते पंजाब नूं इक रेगिस्तान बनाना चाहुंदे ने। श्रोमणी अकाली दल कदे भी श्रोमणी अकाली दल हमेशा ये बेइंसाफिया के खिलाफ लड़ता रहा है, भावे कांग्रेस होए, भावे भाजपा की बेइंसाफी होए, भावे आम आदमी की होए, लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। एक बूंद पंजाब का पानी पंजाब तो बाहर नहीं ले जान देवे। अखीर च मैं थानू आ भी बेनती करती हाँ कि साड़ी राजधानी चंडीगढ़ जेड़ा इन्होंने सानू 6 दहाकों तो नहीं दी, अज तुसी साडा क्लेम डाइल्यूट करके कमजोर करी जा रहे हो। थानू भी मैं बेनती कर दी है, साड़ी राजधानी है, इनू असी छड़ांगे कदे नहीं। साड़ी राजधानी सानू वापस दियो, साडा पानी दे उत्ते ढाका बंद करो, साडे धार्मिक स्थानां दा कब्जा तुसी छड़ो, ते साडे किसानां दे नाल इंसाफ करो। जे पंजाब नू तुसी मलम लाओगे तो यह सूबा यहो जे लोग ने जेड़े अगे हो के हिक ते गोलियां लैंदे ने देश नू बचाण वास्ते, इस स्टेट नू तुसी डिस्टेबलाइज करोगे, आइसोलेट करोगे, माइनॉरिटीज दे नाल धक्का करोगे, तो यह गांधी परिवार ने किया सब तो पहला जथा बादल साहब लेके गए सी कोर्ट किया सी अरेस्ट, ते रोज अकाल तख्त साहब तो अरदास होके सिखा दा जथा एमरजेंसी दे खिलाफ जाके अरेस्ट कोर्ट करदा सी। 40,000 सिखा ने अकालिया ने अरेस्ट कोर्ट किया। मैं आस करती सी कि राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि 2% का छोटा सा एक माइनॉरिटी जिन्होंने 40,000 बंदियां ने अरेस्ट कोर्ट किया तो सानू शाबाशी देंगे, लेकिन बैकडोर एमरजेंसी जी हो रही है, UAPA लगा के, NSA लगा के, ये नवा जो कानून आया जो पुलिस को इन्हें पावर दे, ये भी एक तरह की एमरजेंसी है। सो हर तरह समाप्त करें, समाप्त करें, अकाली दल समाप्त। सो मैनू इस गल का दुख है, सभी 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 अब कृपया समाप्त कर ले, आपको काफी है, काइंडली कंक्लूड हरसिमरत प्लीज, काइंडली कंक्लूड। सभी सभी माननीय सदस्यों के लिए